हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन वीडियो इंग्लिश का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें सी टेट के 2016 में जो पेपर टू है सी टेट में, उसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी आज मैं आप लोगों के साथ। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग भी आंसर लगाइएगा, बताइएगा मुझे कितने सही रहे आपके। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड, यानी एक अच्छी इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, यानी ब्रिटिश और अमेरिकन लिटरेचर से उसमें मटेरियल लिया गया हो। बी, मोर ग्रामर एक्सरसाइजेस, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर एक्सरसाइजेस हो। सी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो। या डी, अट्रैक्टिव फॉन्ट, इलस्ट्रेशन एंड लर्नर फ्रेंडली टेक्स्ट, यानी उसका जो फॉन्ट है, जो लिखे हुए अक्षर हैं वो अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, इलस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए एंड लर्नर फ्रेंडली, यानी जो उसको पढ़ रहा है उसके उसको अच्छे से समझ में आए ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए, यानी जो कुछ भी लिखा है वो कह सकते हैं सिंपल भाषा में हो, अच्छे से समझ में आए, साफ सुथरा लिखा हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ईजी क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, क्योंकि मैंने आपको अच्छे टेक्स्ट बुक के जो गुड हैं वो बताए थे, क्वालिटीज़, उसमें मैंने ये सारी क्वालिटीज़ आपको बताई थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन, यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किस चीज़ पर स्ट्रेस डालती है, यानी उसके द्वारा क्या सिखाया जाता है, किस चीज़ मेन जो है उसमें क्या है। ऑप्शन ए है इम्प्रूविंग फ्लुएंसी, ऑप्शन बी है हमारा डेवलपिंग एक्यूरेसी। पहला है इम्प्रूविंग फ्लुएंसी, यानी कि अच्छे से बोल सके इंग्लिश को बच्चा, इस चीज़ को इस पर फोकस करती है। ये भी डेवलपिंग एक्यूरेसी, यानी सही बोले बिल्कुल एक्यूरेट, यानी सही इंग्लिश बोले, बिल्कुल गलत इंग्लिश ना बोले, इस पर फोकस करती है। सी, डेवलपिंग लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि समझ को विकसित करती है। या डी, सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल है उसको एक सेलेक्शन और ग्रेडेशन के मैनर में सिखाया जाए, यानी इजी चीज़ें पहले फिर धीरे धीरे उसको टफ करते जाया जाए, ऐसे सिखाया जाए, इस पे फोकस करती है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच मैंने आपको पढ़ाई थी जिसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंग्लिश को सिखाया जाता है ना, तो अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पे जोर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग टू रीड मीन्स, यानी कि अगर आप पढ़ना सीख रहे हैं, यानी पढ़ने के लिए सीख रहे हैं कुछ, तो आप उसका क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन ए है रीडिंग अलाउड, यानी तेज पढ़ना। या बी, डिकोडिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इनटू साउंड्स, यानी जो भी अल्फ़ाबेट है उसको उसके साउंड में डिकोड करना, तोड़ना या समझना। या सी, डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर को डिकोड करना। या डी, डिकोडिंग द मीनिंग, यानी मीनिंग को डिकोड, मीनिंग को समझना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या पढ़ना सीखते हैं तो आपका मकसद क्या होता है पढ़ना सीखने का, यही तो कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ें तो आप समझ लें कि उसका अर्थ क्या है, है ना। ये थोड़ी कि उसमें साउंड कैसे बोली जाएगी या उसके स्ट्रक्चर जो है उसको हम डिकोड करने की सोचें, नहीं। हमारा मेन फोकस यही होता है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का, कि हम उसको पढ़ना सीख जाएं ताकि हम उसका मतलब समझना सीख जाएं मेन। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, डिकोडिंग द मीनिंग। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट दैट अ लैंग्वेज लर्नर इज अ, यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2000 NCF 2005 जो है वो क्या बताता है कि लैंग्वेज लर्नर जो है वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ए है यूजर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी ग्रामेटिकल रूल को यूज़ करने वाला। बी, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज या लैंग्वेज, यानी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला या लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला, यानी अपने आप से खुद से बना ले, समझ ले अच्छे से, ठीक है। या सी, रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को रिसीव करने वाला। या डी, प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, या लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने वाला, यानी बोलने वाला या ग्रहण करने वाला उसकी समझ को। तो देखिए, सबसे हम किसी भी लैंग्वेज को जब सिखा रहे होते हैं, हमारा मेन फोकस क्या होता है, वो ये होता है
हमारा मेन फोकस होता है कि बच्चे जो है उस लैंग्वेज को समझना सीख जाएं और बोलना सीख जाएं, कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं। यानी कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो हमने वर्ड आपको पढ़ाए हैं वही आपको यूज़ होंगे, खुद से कंस्ट्रक्ट करना, खुद से बनाना सीख जाएं, है ना, कि जो भी सिचुएशन हो आप उसमें वहाँ पे वो लैंग्वेज बोल लें। तो इसका जो सही आंसर वो होगा बी, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज योर लैंग्वेज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फंक्शनल ग्रामर रिफर्स टू, यानी फंक्शनल ग्रामर क्या है। ए है लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, बी है लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, सी है लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज, या डी लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल्स ऑफ ग्रामर। देखिए, मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया तो बताया था कि ग्रामर टू टाइप की होती है, फंक्शनल ग्रामर और ट्रेडिशनल ग्रामर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रेडिशनल ग्रामर जो होती है, जो वो होती है जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते आ रहे हैं कि रूल्स पढ़ो, रूल्स को याद करो, तब आप ग्रामर सीख सकते हो। तो जो डी ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं ए बी सी की, तो बी है लर्निंग ग्रामर इन अ गिवन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी जो दिया गया है हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसके हिसाब से पढ़ना, या लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटीज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एक लैंग्वेज की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं उनको जानना, उसके हिसाब से ग्रामर को समझना, वो है फंक्शनल ग्रामर। तो मैंने फंक्शनल ग्रामर आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रामर वो होता है जिसमें हम कोई रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे बहुत हमें प्रेशर रखे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कराया जाता है, हम एक आइसोलेशन के तरीके से सीखते हैं, मतलब कि अलग तरीके से सीखते, कोई रूल, मतलब मेन होता है कि फोकस रूल रेगुलेशन पे नहीं किया जाता। तो इसका जो सही आंसर वो ए है कि लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब हम एक अलग तरीके से सीखते हैं, सिंपल वे में सीखते हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा फंक्शनल ग्रामर जो मैंने समझाया, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल प्ले इज़ एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग, यानी रोल प्ले जो है वो एक्टिविटी कराई जाती है, किस लिए कराई जाती है। ऑप्शन ए है राइटिंग, बी है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, सी है असाइनमेंट, या डी है लिसनिंग। तो रोल प्ले यानी जो हम प्ले करवाते हैं, एक रोल दे देते बच्चों को कि आप जो भी हमारा चैप्टर है उसके हिसाब से उनको बना दिया जाता है, जो जो उस चैप्टर में लोग होते हैं किरदार दे दिए जाते हैं प्ले करने के लिए। तो वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी हमारी है वो क्या करने के लिए हम करते हैं। तो राइटिंग तो बिल्कुल नहीं, रोल प्ले में कोई राइटिंग नहीं होती है। और बात करते हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग, हाँ उसमें हम डायलॉग्स देते हैं बच्चों को, तो बच्चे डायलॉग्स बोलते हैं और दूसरा बच्चा सुनता है, यानी सुनने और बोलने दोनों की क्रिया होती है उसमें। सी है असेसमेंट और डी है लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना। तो ए और डी बिल्कुल कैंसिल है। अगर हम सी और बी की बात करें जाए तो असेसमेंट तो करते हैं, लेकिन जो मेन एक्टिविटी होती है हमेशा हम असेसमेंट के लिए नहीं ना, हम सिखाने के लिए भी करते हैं ना रोल प्ले को। तो जो सही आंसर वो होगा हमारा स्पीकिंग एंड लिसनिंग। सेवन्थ हमारा है एक्सटेंसिव रीडिंग, क्या होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। इस ए ऑप्शन है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, बी है रीडिंग फॉर टेक्स्ट फॉर प्लेजर, सी है रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, या डी है रीडिंग टू एक्सट्रापोलेट एंड क्रिटिक। तो मैंने आपको रीडिंग पढ़ाई थी दो टाइप की, एक्सटेंसिव इंटेंसिव रीडिंग। तो वहाँ पे मैंने साफ साफ आपको बताया था एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, कि जिसमें हम जो भी मैटर है उसको पढ़ते हैं, हमें एक एक शब्द को समझने की ज़रूरत नहीं होती, हम होल पूरा पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, साइलेंट वे में पढ़ते हैं और प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रीडिंग फॉर टेक्स्ट, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन्ट फॉर, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, इसका क्या मतलब है। ए टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन द टेक्स्ट, यानी जो हम टेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसके ग्रामेटिकल आइटम को पढ़ा देना, बता देना, समझा देना, या बी कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट, यानी कि जो पहले की नॉलेज है बच्चों की, जो हम टेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले की नॉलेज जो है उसको कनेक्ट करना, जो हम अब पढ़ाएंगे उससे, या सी कनेक्टिंग द होल क्लास विद वन अनदर, एक पूरी क्लास को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या डी गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर ऑफ द टेक्स्ट, यानी जो राइटर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो देखिए प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है, प्री रीडिंग यानी जब आप कुछ पढ़ाने जा रहे हो, मान लिया आप साइंस में पढ़ाने जा रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम को,
ठीक है, तो उससे पहले आप बच्चों से पूछते हो ना, जानकारी लेते हो ना कि बच्चे आप लोग खाना खाते हो तो वो कैसा होता है, क्या होता है, कैसे आपको उसका पोषण मिलता है। तो जो आप पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले की नॉलेज जो होती है वो आप उसको बताते हो, या आप उसके बारे में अगर आप कुछ अंग के बारे में बता चुके हो तो उसको कनेक्ट करते हो जब आगे आप पढ़ाओगे उससे, वो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी, कि कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर इन टू द टेक्स्ट। ये तो बिल्कुल नहीं है कि क्लास को कनेक्ट करना और गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर, राइटर के लिए दिया जाता है सिर्फ, लेकिन वो मकसद नहीं होता है। सबसे बेस्ट आंसर है जो वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। वाइल टीचिंग अ प्रोज टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अ टीचर मस्ट अंडरटेक। यानी जब एक टीचर प्रोज पढ़ा रहा है, ठीक है, प्रोज क्या होता है, कविता, कविता पढ़ा रहा है, पोएम पढ़ा रहा है, तो उसको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। ए है पैराफ्रेसिंग द टेक्स्ट, बी है ट्रांसक्रिप्शन, सी है क्रिएटिंग अ सब टेक्स्ट, या डी है कंसल्टिंग अ डिक्शनरी। तो देखिए, जब हम प्रोज पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर हम जब प्रोज पढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि पोयम जो होती है वो एक अलग ही लैंग्वेज में लिखी होती है ना, उसमें इनडायरेक्ट वे में बातों को लिखा होता है, डायरेक्टली कुछ नहीं। कवि जो होता है अपने भावों को कैसे प्रदर्शित करता है, अपने अलग ही तरीके से, एक इनडायरेक्ट वे में, जिसको आपको डिकोड करना होता है, समझना होता है कि कवि क्या बोलना चाह रहा है। तो जब आप एज अ टीचर प्रोज पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसे साधारण भाषा में कन्वर्ट करके बच्चों को समझाते हैं। तो वो प्रोसेस जो होती है कि साधारण भाषा में कन्वर्ट करके समझाना, वो होता है पैराफ्रेसिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पैराफ्रेसिंग द टेक्स्ट। यानी हम जो भी टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ है, उसको एक सिंपल वे में, अदर वर्ड में चेंज करके बच्चों को समझाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है, लता एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ऑफ क्लास 7th डिवाइड द क्लास इन टू पेयर टू रीड अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर एंड देन डिस्क्राइब इट टू ईच अदर। यानी लता इंग्लिश क्लास टीचर है 7th क्लास की, उसने बच्चों को जोड़ियों में बांट दिया और बच्चों को बोला, एक पिक्चर दी और बोला कि इसको डिस्क्राइब करो एक दूसरे को, इट टू ईच अदर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पिक्चर एंड देन डिस्क्राइब इट टू ईच अदर। यानी एक दूसरे को अब डिस्क्राइब करो, यानी एक बच्चा पिक्चर को देख के उसको डिस्क्राइब करेगा, दूसरा उसको डिस्क्राइब करेगा, जो भी उसको समझ में आएगा पिक्चर में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एक्टिविटी पीडोलॉजिकली नोन एज, यानी ये एक्टिविटी जो है वो क्या कहलाती है। ए असाइनमेंट, बी ग्रुप वर्क, सी टीचर फैसिलिटेटेड रीडिंग, या डी पेयर इंटरेक्शन। तो देखिए, ग्रुप वर्क तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें हमने पेयर में डिवाइड किया, बहुत ग्रुप नहीं बनाया बड़ा सा। सी है हमारा टीचर फैसिलिटेट रीडिंग, टीचर का रोल इसमें कुछ नहीं हो रहा ज़्यादा, तो टीचर फैसिलिटेट रीडिंग नहीं होगी। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें बच्चे जो हैं वो अपने साथी के साथ मिलकर किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो ये इसका जो सही आंसर वो डी होगा, पीयर इंटरेक्शन। क्योंकि पीयर साथी है, उनका ग्रुप बनाया है दो बच्चों का, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, वो समझा रहा है एक पिक्चर में उसको जो समझ में आ रहा है, और दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे को समझा रहा है, तो ये क्या हो गया, पीयर इंटरेक्शन एक्टिविटी। तो ये आज के वीडियो था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये सारे क्वेश्चन 2016 सी टेट सेकेंड पेपर में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हो क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अच्छे से क्वेश्चन सही किए होंगे। प्लीज़ मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।